अब इस रास्ते में लग गए, बहुत प्यारा रास्ता, बहुत प्यारा रास्ता। आप ये ना समझे, आज हमारे यहां क्या बन गया, ये मौलवी, उसकी एक कारीगरी, ये हाफिज जी है ना, ये आलिम साहब है। नहीं मेरे भाई और मेरे दोस्त, हमने बांट दिया है, ये बंटवारा हमने कर दिया। इल्म दीन के अंदर कोई बंटवारा नहीं है। ये हाजी साहब सीख रहे हैं, ये नमाजी सीख रहे हैं, ये बिजनेस करने वाले सीख रहे हैं, सबके लिए वही फजीलत है। अगर आप उस रास्ते पर चले जा रहे हैं, अपने आप को उस रास्ते पर लगाए हुए, ताकि वही नर मदारी का था लगता होगा जिन्हें तालिबिल इल्म, ताकि इस रास्ते में अगर कोई आदमी अपने आप को लगाता है तो अल्लाह ताला की इतनी रजामंदी उसे हासिल होती है, अल्लाह की इतनी खुशी उसे हासिल होती है, इतनी बशारतें हासिल होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों को जमीन पर उतारता है कि इल्मे दीन के रास्ते में चलने वाले इस तालिबे इल्म का पैर जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए, फरिश्तों के पैरों पर पड़ना चाहिए। आप चाहें जैसे किसी जगह और कोई आपका इस्तकबाल करे, वेलकम करे, और आपकी आमद से पहले आपके रास्ते में कालीने बिछा दे, आपके रास्ते में कीमती चीजें डाल दे, आप वहां पहुंचे तो देखें कि मेरे इस्तकबाल के लिए इन्होंने कितना बड़ा इंतजाम कर रखा है, कितना बड़ा मैनेज कर रखा है, फूल लगा रखे हैं, आग लगा रखे हैं, गुलदस्ते सजा रखे हैं, कालीने डाल रखी है। आप वहां पहुंच करके जमीन को छोड़ करके उन कालीनों के ऊपर चल करके जाते हैं और मुलाकात करते हैं। तो तालिबे इल्म की इससे कितनी बड़ी अहमियत है, वहां कालीन नहीं है, वहां गुलदस्ते फूल हार नहीं है, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते रूए जमीन पर भेजे जाते हैं और वो अपने पैरों को रूए जमीन पर बिछा देते हैं। ये कुरान पढ़ने वाला, ये दीन सीखने वाला, ये हदीस का इल्म हासिल करने वाला, ये नमाज की तालीम लेने वाला, ये अरकान इस्लाम को सीखने वाला, ये कुरान को अपनी जुबान से सीख करके अदायगी करने वाला फरिश्तों के उन्हीं पैरों पर चलता, अल्लाह इतना खुश होता है।